अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में जो दो सॉफ्टवेयर्स हम कंपेयर करेंगे वो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसमें से फोटोशॉप को तो आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, जबकि एडोब इलस्ट्रेटर जो है उसको सिर्फ कम लोग जानते हैं जिनका कि डायरेक्टली ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ताल्लुक़ है। जबकि फ़ोटोशॉप जो है वो बहुत आम फहम है और तकरीबन हर कोई इसको जानता है। ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वो एडोब के क्रिएटेड हैं। इलस्ट्रेटर एडोब ने 1987 में लॉन्च किया, जबकि फ़ोटोशॉप जो है वो कंपनी ने 1990 में लॉन्च किया, यानी कि इलस्ट्रेटर के थोड़े टाइम के बाद ही इन्होंने फ़ोटोशॉप का पहला वर्जन जो है वो मार्केट में लॉन्च किया था। ये दोनों सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए क्रिएट किए गए और इनका पैटर्न डिफरेंट है। इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड है सॉफ्टवेयर, और जबकि फ़ोटोशॉप पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अच्छा, वेक्टर होने की वजह से इलस्ट्रेटर पर हमें बहुत ज़्यादा जूम मिल जाता है, यानी 900% तक हम इमेज को जूम कर सकते हैं। इसकी वजह से इमेज इसकी बहुत ज़्यादा शार्प और क्लियर होती है। जबकि फ़ोटोशॉप जो है उसमें हमें जूम 300% तक मिल जाता है, क्योंकि वो पिक्सल बेस्ड है। इसकी वजह से जब हम बहुत ज़्यादा इमेज को जूम इन करते हैं तो हमें इमेज थोड़ी सी ब्लरी और मैसी फील होती है। इसके अलावा जो इसमें इलस्ट्रेटर में हम मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स पर काम कर रहे होते हैं, जबकि फ़ोटोशॉप में हमारे पास सिंगल कैनवस अवेलेबल होता है जिसके ऊपर हम अपनी डिज़ाइनिंग की एक्टिविटीज़ सारी परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिलेक्शन का भी दोनों सॉफ्टवेयर्स में बहुत डिफरेंट है। इलस्ट्रेटर में हम ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करते हैं, जबकि फ़ोटोशॉप में जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो एरिया की सिलेक्शन हो रही होती है। इलस्ट्रेटर में जो है वो एक ही लेयर पर जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम जनरेट कर रहे होते हैं, जबकि फ़ोटोशॉप में एक लेयर जो है वो सिंगल हमारा ऑब्जेक्ट मल्टीपल लेयर्स पर चल रहा होता है। लेयर्स बहुत सारी होती हैं लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही होता है। तो अब इसमें अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि आया इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में से बेहतर सॉफ्टवेयर या ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का इस तरह से कंपेयर करना वो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सॉफ्टवेयर अलग पर्पज़ के लिए क्रिएट किए गए और इनकी यूजेज भी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा कि एडोब इलस्ट्रेटर है, ये मेनली हम यूज़ कर रहे होते हैं लोगो डिज़ाइनिंग के लिए और इमेज क्रिएशन के लिए, जबकि दूसरी तरफ जो फ़ोटोशॉप है वो हम फोटोग्राफ्स और जो इमेजेस हैं उनकी एडिटिंग और उनकी इन्हेंसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ चंद डिफरेंसेस इनके देखे हैं, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे इन दोनों में डिफरेंसेस मौजूद हैं।